हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइडियल सिटी एकेडमी। आज का हमारा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है ऐसे 6 वर्ड्स जो हम अपने इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी 6 ओवरली यूज वर्ड और उनके रिप्लेसमेंट, यानी कि फिर अगर हम उसको नहीं बोलें तो उनके रिप्लेसमेंट में हम क्या बोलें। ये 6 वर्ड्स हैं ऑसम, नाइस, लाइक, लिटरली, बेसिकली एंड एक्चुअली। ये 6 वर्ड्स हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऑसम, नाइस, लाइक, लिटरली, बेसिकली एंड एक्चुअली। ये 6 वर्ड्स हम अपनी स्पीकिंग में, अपनी राइटिंग में बहुत यूज़ करते हैं। टीचर्स अक्सर रिमार्क देने में भी ये वर्ड्स का यूज़ बहुत करते हैं। तो मैं एक बार, वैसे तो मोस्टली आप लोगों को इसकी हिंदी पता होगी, इसकी मीनिंग पता होगी, बट एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ऑसम का यूज़ बहुत अच्छा के लिए होता है, और नाइस का भी सेम मीनिंग होती है, अच्छे या बहुत अच्छे के लिए होती है। लाइक की 2 मीनिंग होती है, एक पसंद के लिए और दूसरा की तरह के लिए। लिटरली का मतलब होता है कि ये चीज़ होने ही वाला है, और बेसिकली में भी यही होता है कि जो होना है स्वतः वही होगा, और एक्चुअली का एग्जैक्टली कोई ऐसी हिंदी मीनिंग हम नहीं यूज़ करते हैं, जो ही मैं अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और जैसा कि आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी, डायरेक्ट हिंदी मीनिंग नहीं होती है, हमको उसकी हिंदी मीनिंग नहीं निकालनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश का हर एक वर्ड हिंदी मीनिंग नहीं रखता है। अब मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ। पहला वर्ड मैंने बताया ऑसम। ऑसम हम अक्सर बोला करते हैं, हम कोई फेसबुक पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट करेंगे या उस पर कमेंट रिप्लाई करेंगे तो ऑसम बोलेंगे, किसी को तारीफ़ करेंगे, किसी की राइटिंग अच्छी होगी तो हम रिमार्क करेंगे ऑसम। तो एक्चुअली ऑसम को रिप्लेस करने के लिए कुछ वर्ड हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो वर्ड हैं स्टनिंग, अनएक्सपेक्टेड, वंडरफुल, ट्रेमेंडस एंड मार्वलस। ये ऐसे वर्ड हैं जो आप वापस ऑसम की जगह चेंज कर सकते हैं। रिमार्केबल भी एक ऐसा वर्ड है जो ऑसम और नाइस दोनों के लिए यूज़ होता है। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, ऑसम को रिप्लेस करने के लिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप ऑसम अगर आप स्पीकिंग में कर रहे हैं, राइटिंग में कर रहे हैं, उसकी जगह आप लिख सकते हैं स्टनिंग, अनएक्सपेक्टेड, वंडरफुल, ट्रेमेंडस, रिमार्केबल या मार्वलस। उसी तरह दूसरे वर्ड पर बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है नाइस। हम अक्सर कहते हैं नाइस, नाइस कार, नाइस बाइक, नाइस शर्ट, नाइस टी शर्ट, बट हमको ये रिपीट नहीं करना है अगर हम अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग में आना चाहते हैं, प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग में आना चाहते हैं। तो अगर आप राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग में हो तो आप नाइस को रिप्लेस कर सकते हैं डिलाइटफुल के साथ, फैंटास्टिक के साथ, डिवाइन वर्ड आता है, विनसम वर्ड हैं, एंड मार्वेलस जैसे मैंने बताया ऑसम और नाइस दोनों के लिए यूज़ होता है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, नाइस के वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हम नाइस को रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं, वो वर्ड्स हैं डिलाइटफुल, फैंटास्टिक, डिवाइन, मार्वलस एंड विनसम। ये ऐसे वर्ड हैं जो आप नाइस के रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा वर्ड आता है लाइक। लाइक की 2 मीनिंग होती है। पहली मीनिंग होती है सिमिलरली के लिए, यानी एक जैसा के लिए, जैसे कि फ्रैक्शन में आप लोग पढ़ते हैं मैथ में लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक का अपोजिट अनलाइक होता है, यानी पहली हिंदी मीनिंग लाइक की आती है की तरह या एक जैसा, जैसे ही इज़ लाइक माई ब्रदर, आई एम लाइक माई फादर, यानी वो मेरे भाई की तरह है, भाई जैसा है, यानी उसकी जो बिहेवियर है या जैसा उसका लुक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं, ये होता है। और दूसरी मीनिंग लाइक की आती है इन्जॉयमेंट या पसंद के लिए, आई लाइक टू ईट मैंगो, आई लाइक दिस मूवी, आई लाइक दिस सॉन्ग। तो हमको अब यहाँ देखिए लाइक के रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं है कोई, लाइक को बोलने में हमको उनके डिफरेंस याद रखने होंगे कि लाइक की मीनिंग हम सिमिलरली के लिए कर रहे हैं या इन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। अगर हम सिमिलरली के लिए कर रहे हैं तो हमको उस तरह यूज़ करना होगा, जैसे इट टेस्ट लाइक चीज़, ये चीज़ की तरह इसका टेस्ट है, इसका टेस्ट चीज़ की तरह लग रहा है, या मैं बोलूँ आई लाइक दिस वेब सीरीज़, दिस शो, ये वीडियो मुझे, मैं
पसंद करता हूँ या मैं मुझे पसंद आई, तो ये दो अलग मीनिंग है लाइक में, इसके रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं है। बेसिकली अगला वर्ड है बेसिकली। देखिए बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो बहुत मुश्किल से ही कोई मीनिंग जोड़ता है इंग्लिश सेंटेंस में। इंग्लिश सेंटेंस में बेसिकली लगा देने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था वर्ड्स टू यूज़ इंस्टेड ऑफ वेरी, कि हर जगह वेरी हम नहीं लगाते हैं, उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे वेरी एंग्री लगाने देने से हम उसको नहीं बोलेंगे, उसकी जगह हम बोलेंगे क्या, वेरी एंग्री की जगह फ्यूरियस बोलेंगे हम, ठीक है। तो वापस आते हैं बेसिकली पर। बेसिकली सेंटेंस में कुछ खास फ़र्क नहीं डालता है, कोई मीनिंग उसकी ऐड नहीं करता है। हमको मोस्टली बेसिकली वर्ड का यूज़ सेंटेंस में करना नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं, इट स्टार्टेड विद अ स्क्रू कप, सेंटेंस सिंपल सा है। अगर आप इसमें बेसिकली जोड़ दें बेसिकली स्टार्टेड विद अ स्क्रू कप, तो कोई खास मीनिंग नहीं बनेगी। तो यूज़ कोशिश करिए बेसिकली का यूज़ सेंटेंस में, राइटिंग या स्पीकिंग में कम से कम हो। नेक्स्ट वर्ड आता है लिटरली। देखिए लिटरली का मतलब ऐसी चीज़ जो पहले से हमको पता है कि होने वाली है, यानी कि जैसा हमने कहा वैसा ही हो। इट एज हैपन्स एज इट वॉज डिस्क्राइब्ड, जैसा बताया गया वैसा ही हो, तो वो लिटरली कहलाता है। लेकिन उसकी जगह, उस वर्ड की जगह हमको यूज़ करना चाहिए फिगरेटिवली। दोनों में बहुत फ़र्क है, फिगरेटिवली और लिटरली में बहुत फ़र्क होता है। आपको हमको मोस्टली, जैसे हमने बेसिकली में बताया कि लिटरली वर्ड का यूज़ कम से कम, बेसिकली वर्ड का यूज़ कम से कम करें। लास्ट वर्ड हमारा इस लिस्ट में है एक्चुअली, और एक्चुअली को मैंने लास्ट में इसलिए ही रखा है क्योंकि ये भी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इवन इस पर जो जोक्स होते हैं वो भी बहुत आ जाते हैं, एक्चुअली आई से दिस, एक्चुअली आई वॉज बिजी, एक्चुअली आई डू नॉट नो अबाउट दिस, एक्चुअली ये, एक्चुअली वो, बहुत हर जगह लगते रहते हैं। जो लोग प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करते हैं, जो ऐसे ही बोलते रहते हैं नॉर्मल इंग्लिश अपने लाइफ में, वो भी हर चीज़ में एक्चुअली जुड़ता रहता है। तो एक्चुअली का भी कोई खास एसेंशियल नहीं है, एसेंशियली सेंटेंस में कोई बहुत अच्छी बहुत एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं जोड़ता है। ये एसेंशियल वर्ड्स नहीं है, इनको हमको रिप्लेस नहीं, रिमूव कर देना चाहिए। तो ये जो वर्ड हमने देखे बेसिकली और एक्चुअली, ये दो वर्ड तो ऐसे हैं जिनको हमें रिप्लेस नहीं, रिमूव करना है। इनके कोई खास रिप्लेसमेंट नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस में कुछ जोड़ते ही नहीं है। जैसे मैंने वेरी की वीडियो में बताया कि वेरी एंग्री और वेरी थर्स्टी या वेरी कुछ भी ऐसी वेरी गुड को हमको चेंज करना होगा, उसी तरह यहाँ पर भी सेम केस है कि लिटरली और एक्चुअली का मतलब कुछ नहीं होता है। और अगर आपने अभी तक में इस चैनल पर हमारी वो वीडियो नहीं देखी है वर्ड्स टू यूज़ इंस्टेड ऑफ वेरी पार्ट वन, तो आप इम्प्रेशन पर ऊपर आई आइकन पर टच करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके और भी पार्ट आने हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट में बता दूं कि ऑलमोस्ट 128 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमको वेरी नहीं लगाना चाहिए और उनके रिप्लेसमेंट होते हैं। जैसा कि मैंने अभी ऑसम और नाइस के रिप्लेसमेंट बताए, वैसे ही उस वीडियो में मैंने वेरी वर्ड को रिमूव करके क्या बोलना है वो रिप्लेसमेंट बताए हैं। उस वीडियो को आप इम्प्रेशन पर देखिए। तो मैं फिर से एक बार शॉर्ट रिपीट करता हूँ हमारे इस वीडियो का टॉपिक। ये वीडियो का टॉपिक था 6 ऐसे वर्ड जो हम इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली यूज़ होता है और हमको करना नहीं चाहिए, और फिर उसके रिप्लेसमेंट क्या होंगे फिर, या हम उसकी जगह करें क्या। तो वो 6 वर्ड हैं ऑसम, नाइस, लाइक, लिटरली, बेसिकली, एक्चुअली। ऑसम की रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताई थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। स्टनिंग, अनएक्सपेक्टेड, वंडरफुल, ट्रेमेंडस, रिमार्केबल एंड मार्वलस। सेकेंड वर्ड था नाइस। नाइस की रिप्लेसमेंट है डिलाइटफुल, फैंटास्टिक, डिवाइन, मार्वेलस एंड विंसम। मार्वेलस दोनों में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बारी आई थी लाइक वर्ड की। लाइक वर्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, उसकी मीनिंग से आपको उसको डिफर करना है, या कि अगर लाइक की पहली मीनिंग है सिमिलैरिटी के लिए, एक जैसे के लिए, तो हम कैसे सेंटेंस बोलेंगे, क्या यूज़ करेंगे, और अगर हम उसको इन्जॉयमेंट या अपनी पसंद बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्या सेंटेंस होना चाहिए। उसके बाद आया था बेसिकली
और एक्चुअली, ये दोनों मैं साथ में बताऊंगा, बेसिकली और एक्चुअली ये दो वर्ड ऐसे हैं जो सेंटेंस में कोई खास इफेक्ट नहीं डालते हैं, कोई मीनिंग पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड होता है कि आपका वो जो बोला गया सेंटेंस में बाहर आ जाए, वेटेज आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको हमें कम्प्लीटली रिमूव करना चाहिए, और उसी तरह लिटरली में भी होता है कि इसको हम फिगरेटिवली से चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ऐसे लोगों को जो इंग्लिश स्पीकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है, इतनी डेप्थ है उसमें कि आप उसकी डेप्थ में चलते चले जाएंगे और नई नई चीज़ें पता लगती चली जाएंगी। जैसे डिफरेंसेस हो गए UK US के, वर्ल्ड के डिफरेंसेस, होम और हाउस के डिफरेंसेस एंड सो ऑन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो इंग्लिश या एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और नई चीज़ें अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, उनको वीडियो शेयर करिए। वीडियो को अच्छी लगी हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ऑन डिमांड भी हम वीडियो बनाएंगे। कोई ऐसा हार्ड टॉपिक, डिफ़िकल्ट टॉपिक होगा तो वीडियो में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर द हेल्थ शो के नाम से एक यूट्यूब शो शुरू हुआ है, जिसका पहला सीज़न और पहला एपिसोड ऑलरेडी ऑन एयर है। वो टॉपिक था इम्यूनिटी, जिसके मिस एंड रियलिटीज़। और इसी शो में हमारी अगला जो टॉपिक आएगा, यानी अब अगला एपिसोड जो आएगा वो होगा डेंगू बीमारी को लेकर, जो जल्द ही आएगा द हेल्थ शो के एपिसोड नंबर 2 में, जो आप हमारे इस चैनल पे के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। बहुत सारी और भी वीडियो हैं। तो फिर से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।